Hi everyone, this is Rachna from the Honeybees Chocolate. Welcome to this new video. Cake material की जो हमारी playlist चल रही है उसका ये third part है और इसमें जो भी और stock मेरे पास available है वो मैं आपको दिखा रही हूँ. अभी तक हमने आपको tin के molds दिखाए थे, then tools and equipments दिखाए थे जो required रहते हैं baking के लिए. So another जो ये part है ये भी tools and equipments के लिए है, जो जो सामान हमें चाहिए होता है एक अच्छा केक बनाने के लिए मैं आपको वो सब दिखाती हूँ. तो आइए जल्दी से मैं आपको बाकी सब स्टॉक दिखाती हूँ. सो सबसे पहले मैं दिखा रही हूँ आपको ये सिलिकॉन मैट्स. ये बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड रहते हैं किसी भी तरह का बेकिंग का काम हो, फॉन्डेंट का काम हो, ये मैक्रून्स बनाने हो या फिर आपको ओटीजी में भी इनको यूज़ करना हो तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं. तो दो साइज़ में ये मैट्स अवेलेबल हैं. फ्लोरेंटिन्स में मैंने ये यूज़ किया था, काफ़ी अच्छा मुझे रिजल्ट मिला था. तो एक ही छोटा साइज़ है और इसमें एक ये लार्ज साइज है. तो डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं. अगर इसके अलावा आपको मेजरिंग वाला चाहिए तो मेरे यहाँ जिस मेजरिंग सिलिकॉन मैट है इसको भी मैं आपको एक बार खोल के दिखा देती हूँ. जैसे कि अगर आपको कुछ मेजर करना है तो इसके अंदर स्केल बना हुआ है, तो स्केल के बेसिस पे आप इसको यूज कर सकते हैं अपने मेजरमेंट्स के लिए. डायमीटर्स बने हुए हैं, कटिंग के लिए यूज कर सकते हैं, रोलिंग के लिए यूज कर सकते हैं, और अगर किस तरह की मॉडलिंग करनी है तो उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं. और अपार्ट फ्रॉम दैट आपको मैं दिखाऊंगी डिटेलिंग नाइफ़ है ये हमारे पास. डिटेलिंग नाइफ काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर्ड रहता है फॉर फॉन्डेंट या गम पेस्ट को जब हमें कटिंग करनी होती है तो ये उसके लिए भी काम आता है. या फिर किसी भी तरह की पेस्टिंग हम करते हैं केक के ऊपर तो उस जो भी हम गम पेस्ट या फॉन्डेंट का पैकिंग उसका कटिंग करने की नीटनेस के लिए डिटेलिंग नाइफ की रिक्वायरमेंट रहती है. केक जब बन जाता है तो हम उसको छोटे बड़े साइजेस में हमें कट करने के लिए हमें कटर चाहिए. तो इनको कुकीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और केक के लिए भी यूज़ कर सकते हैं डिज़ाइनिंग देने के लिए. तो इसमें जो हमारे पास साइजेस अवेलेबल है 3 और 5 में पीसेज में अवेलेबल है. राउंड में जैसे ये 5 में देते हैं तो ऐसे 3 का भी सेट अवेलेबल है. 3 के मैं आपको पहले दिखा देती हूँ. ये हेक्सागन है, ओवल है, रेक्टेंगल है, देन हैव दिस टीयर ड्रॉप साइज. 5 में अगेन यू हैव स्क्वायर, हेक्सागन, स्टार, दिस इज स्पाइरल एंड इन राउंड. ये मिकी माउस के बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा ये रिक्वायरमेंट रहती है इसकी. तो ये मिकी माउस की शेप में कटर है. आप कुकीज़ भी बना सकते हैं, केक को कट करके यूज़ कर सकते हैं डेकोरेशंस के लिए. इसके अलावा इसमें थोड़े से बड़े साइजेस भी हैं. ये जो छोटा साइज़ है तो प्रॉपर केक बेंको केक के लिए आप यूज़ कर सकते हैं. तो वो एक ही सेट आता है 12 रिंग्स का. ये राउंड में है, इसमें 12 रिंग्स हैं अलग अलग साइजेस से लेके 1 इंच से लेकर 4 से 5 इंच तक का ये कटर रहता है. इसमें शेप्स आपको मैं दिखा देती हूँ. स्टार, हार्ट एंड स्क्वायर, ये सारे कटर्स हैं. बेसिकली शार्प रहते हैं तो इसे थोड़ा सा संभाल के यूज़ करना होता है. तो जब हम बेस बना लेते हैं तो उसकी कटिंग के लिए हम अलग अलग डिज़ाइनिंग के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं. तो ये तो छोटा साइज दिखा रही हूँ. जब हमें बड़े केक्स को शेप देनी होती है तो उसके लिए भी हमें केक कटर्स की ज़रूरत पड़ती है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ. कटर्स जैसे ये हार्ट शेप में मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बड़ा साइज़ में है, 3 के सेट में आता है. पर अगर आपको इंडिविजुअली चाहिए होगा बड़े वाले वो आपको मिल जाएंगे. छोटे वाले सेट में ही रहेंगे, बड़े वाले इंडिविजुअल मिल जाएंगे. इसमें वी हैव अ हार्ट, देन वी हैव द स्क्वायर साइज एंड राउंड में वी हैव लॉट ऑफ साइजेस 10, 8, 7, 6 अलग अलग इंचेस के हिसाब से आपको मिल जाएगा. मिनिमम 2 इंचेस का रहता है, देन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 12 इंचेस का रिंग है. ये भी इंडिविजुअल आपको मिल जाएगा और इसके लिए आप जो भी आपको रिक्वायरमेंट रहेगा एक बार व्हाट्सअप कीजिएगा, आपको इसका कैटलॉग हम लोग शेयर कर देंगे. अब जब हमारी कटिंग हो जाती है और फिर हम फॉन्डेंट का काम अगर कर रहे होते हैं तो हमें एक रोलिंग पिन की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम उसे रोल करके फ्लैट करते हैं और उसको प्लंजर से या फिर अपनी हैंड मॉडलिंग से उसको शेप देते हैं. तो ये रोलिंग पिन हमारे पास 12 इंचेस का ये भी अवेलेबल है. जब केक डबल टेयर केक्स बनते हैं या ट्रिपल टेयर केक्स बनते हैं तो हमें डबल स्टिक्स की ज़रूरत पड़ती है. डबल स्टिक्स जो होते हैं बेसिकली दो केक्स को जॉइन करने में हेल्प करते हैं. तो डबल स्टिक्स भी अवेलेबल है, 12 इंचेस में है.
जब हम फॉन्डेंट की बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको फॉन्डेंट किट के बारे में बता देती हूँ। एक ही किट है जिसके अंदर ये सारा सामान आ जाएगा। इसमें ये रोलिंग पिन है, 8 inches का है। देन ये मॉडलिंग टूल्स हैं, इसमें अलग अलग शेप के लिए जो आप फिगरिंग कोई भी बनाते हैं, कोई फिगर बनाते हैं तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं फेशियल एक्सप्रेशन वगैरह को डिज़ाइन देने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें बहुत सारे प्लंजर्स हैं जो कि फ्लावर शेप में हैं, अलग अलग साइजेस में हैं, इनको कट करके केक डेकोरेशन में हम लोग यूज़ करते हैं। देन ये छोटा साइज है, मोस्टली फ्लावर शेप लीफ शेप के साथ इसमें देख सकते हैं, लीफ बनी हुई है, 5 petal फ्लावर है, स्टार है, ये एम्बेलिशमेंट्स के लिए यूज होता है। ये सारे जो है 53 pieces का ये फॉन्डेंट किट है। ये सारा जो भी मिलेगा एक किट के अंदर मिलेगा। बटरफ्लाइज है अलग अलग साइज की, हैव द सीजर्स जो कि कटिंग में काम आता है, प्लंजर्स हैं, देन ये अब स्मूथर जो कि फॉन्डेंट को लगाने के लिए स्मूथनेस के लिए यूज़ करते हैं। तो ये सारा किट है जिसके अंदर, ये बिगनर्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है बिकॉज इसके अंदर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं फॉन्डेंट के ऊपर, गम पेस्ट के लिए या किसी भी तरह का अगर आप केक बना रहे हैं तो उसमें ये काम आ जाता है। अब जब हम फॉन्डेंट का काम कर लेते हैं तो कभी हमें स्टेंसिल्स की भी ज़रूरत पड़ती है जो हम उसके ऊपर क्रीम लगाते हैं, तो उसके अंदर अगर हमें किसी तरह का एम्बॉजिंग देना है तो ये स्टेंसिल्स हमारे पास अवेलेबल हैं। टेक्सचर शीट्स अवेलेबल हैं, इस तरह के टेक्सचर शीट्स हैं जो केक के ऊपर टेक्सचर देने के काम आते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये दिख रहा है, आप देख सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको जो दिखाना चाहती हूँ दैट इज़ टर्न टेबल। ये टर्न टेबल की दो क्वालिटीज अवेलेबल है, एक फाइबर में है, एक एल्यूमिनियम कोटिंग में है, तो दोनों अवेलेबल हैं, दोनों ही अपनी जगह अच्छे हैं। जस्ट थोड़ा सा वेट का फ़र्क है, कोई 4 kilo का है, कोई 5 kilo का है। और जो ये कंपनी है दैट इज़ केक बेक है, ये केक डेकोरेशन में बेसिकली टर्न टेबल रिक्वायर्ड होता है जब हम इसे क्रीम वगैरह से इसको कवर अप करते हैं। तो ये केक बेक एक कंपनी है, मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ। 360 degree इसका लिखा हुआ है कि अनेबलिंग परफेक्ट रोटेशन है इसकी, आइसिंग के लिए, केक डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। 26 centimeter डायमीटर है एंड 12.7 centimeter इसकी हाइट। कंपनी जो है दैट इज़ केक बेक, और ये हमारे पास अवेलेबल है। इनके साथ की रिक्वायरमेंट रहती है तो बता दीजिएगा। 5 kilo का ये वेट रहता है तो कम से कम 5 kilo की शिपिंग इसमें लगती है। और बट अगर आपके एरिया में ये अवेलेबल नहीं है तो दैट इज़ आई मस्ट रिकमेंड दिस, कि आपकी बेकिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो टूल रहेगा, इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। सो ये सारा मटेरियल जो भी आपको मैंने दिखाया ये सब हनी बीज के पास अवेलेबल है। आप मैसेज कीजिएगा 9354970761 पे, व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको कैटलॉग शेयर किया जाएगा और उसमें सारे रेट, सारे प्रोडक्ट्स, पूरी रेंज उसमें आपको मिल जाएगी। सो एनी हाउ, जो भी आप सामान लेते हैं, मैंने शिपिंग के बारे में पहले भी कई सारी चॉकलेट की वीडियोस में बताया है कि जब भी हम दिल्ली में लोकेटेड हैं तो दिल्ली से जब भी हम लोग कुरियर करते हैं तो नॉर्थ इंडिया का 70 rupees kg, साउथ इंडिया 80 rupees kg एंड ईस्ट इंडिया 100 rupees kg रहता है। और अगर कुछ रिमोट एरियाज़ रहते हैं या फिर कुछ विलेज एरिया रहता है तो वहाँ पे हम डिलीवरी के थ्रू कराते हैं, उनके जो चार्जेस होते हैं एट द टाइम ऑफ डिस्पैच ही बता पाते हैं। नॉर्मली 150 to 200 rupees kg पड़ जाता है रिमोट एरियाज़ में। सो और अगर बल्क में आपका सामान रहता है देन वी डू हैव अ फैसिलिटी कि हम ट्रांसपोर्ट से भी भिजवा देते हैं, बट नॉट ऑन द बस। कई लोग बोलते हैं कि बस में चढ़ा दीजिए या ना, तो हमारे पास वो ऐसा लेबर नहीं है कि जो बस में जाके चढ़ाए, पर ट्रांसपोर्ट का हमारा एक टाइप है तो ट्रांसपोर्ट में डेफिनेटली हम लोग कर सकते हैं। सो मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में बहुत जल्दी, और जो सामान केक बेकिंग से रिलेटेड रहता है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।